हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथी दवा के विषय में जिसका नाम है यूफ्रेसिया। पूरा नाम है यूफ्रेसिया ऑफिशिनलिस। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, तो आज का जो पहला सिम्टम है, आँख और नाक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें सूजन आती है, सूजन हो जाती है, जिससे जो है आँख और नाक से पानी निकलने लगता है। दोस्तों, जो आँख से पानी निकलता है वो पानी जो है जलन करता है, लेकिन जो है नाक से पानी निकलता है उसमें जलन नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे केस में आपको यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपके नाक की है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इससे मिलता जुलता एक दवाई और है, एलडियम सेपा। तो एलडियम सेपा का ये ठीक अपोजिट है। एलडियम सेपा में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है नाक से वो नाक के अगल बगल कट जाती है, तो उसको एलियम सेपा देना है। दोस्तों, इससे संबंधित एक दवाई और है जिससे आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़े, अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी जो है आँख से पानी निकलता है, लेकिन आपको ये देखना है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में मेन सिम्टम है आँख जो है लाल हो जाता है, जैसे मांस होता है एकदम रेड, आँख लाल हो जाती है, वो जो है पेशेंट आपका हो गया जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों, ये तीनों दवाई में आप अंतर समझ लीजिए। ऐसा अगर सर्दी रहे, खांसी रहे, तो आप जो है अपने सिम्टम के अनुसार दवाई लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है आई पर फिर है। आईज में हमेशा पानी भरा रहता है, आप ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो है आँख में हमेशा पानी भरा है और जो है आँख भारी रहती है क्योंकि पानी भरा रहता है, और कुछ देर बाद में पानी जो है टपक जाएगा। तो ऐसे केस में आपको यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार जो है 2 हफ्ता लीजिए, आपके आँख से जो पानी निकलता है इस तरह का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो है सबसे बड़ी बात है कि यूफ्रेसिया एक ड्रॉप आती है, आई ड्रॉप आती है आँख में डालने के लिए, तो डालने की दवाई हम कभी नहीं दिए हैं, क्योंकि जो है जो सिम्टम जो प्रॉब्लम दवाई खाने से ठीक होती है वो आँख में डालने से नहीं ठीक होती है। तो इसलिए हम यूफ्रेसिया डाइल्यूशन में हमेशा देते हैं, तो आप भी जो है डाइल्यूशन में यूज कीजिए, इसको आँख में डालना नहीं है, और नहीं तो यूफ्रेसिया आई ड्रॉप आँख में डालना है, आपको खाली डाइल्यूशन की दवाई खानी है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है और बहुत ही यूनिक सिम्टम है। अगर कोई लेडी पेशेंट, कोई लेडी बहन अगर हमारा यह वीडियो देख रही है, तो उनको जो पीरियड होता है 4 दिन का पीरियड होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है सिर्फ 1 दिन के लिए होता है और कभी कभी सिर्फ 1 घंटा के लिए होता है, और उसके बाद पूरा हफ्ता साफ हो गया, ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ऐसे फीमेल पेशेंट को यूफ्रेसिया 6 पावर में 4 बूंद सुबह शाम अगर लगातार 3 महीना तक ले लें, तो उनका जो पीरियड का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम यह है कि यह जो है हुपिंग कफ की बहुत अच्छी दवाई है। हुपिंग कफ माने जैसे कुत्ता खांसता है, खांसते रहता है, और एक खांसी का सबसे बड़ा यूनिक सिम्टम है, 2 सिम्टम है इसमें। एक तो जो है जब खांसी आएगी तो आपको आपके आँख से पानी गिरेगा, और दूसरा सिम्टम यह है कि खांसी जब भी आएगी ओनली इन द डे में आएगी, इसकी खांसी रात में नहीं आती है। ऐसे हुपिंग केस में यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम दोपहर 3 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, जब तक आपकी हुपिंग कफ नहीं ठीक होती तब तक लेते रहिए, आपकी जो हुपिंग कफ एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है, अगर आपको सर्दी हुई है और आपको न तो आँख से पानी निकलता है और न तो नाक से पानी निकलता है, अगर हेडेक उसमें मिन आ गया, हेडेक इज द प्रॉब्लम सिम्टम, सिर में दर्द हो रहा है और सर्दी लग गई है, तो आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लें, 3-4 दिन ले लें, तो उनका हेडेक ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम 2-3 दिन तक लेते रहें तो आपका हेडेक जो है, अगर सर्दी से बार बार हेडेक हो रहा है तो आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है फीमेल पर जो है एमेनोरिया, माने पीरियड नहीं हुआ, बीथ ऑफ्थल्मिया, इसके साथ में आँख की आपकी प्रॉब्लम है, आँख में जो है कीचड़ धंस गया, या आँख जो है सुबह सुबह सोकर उठते हैं फंस जाती है, माने कहने का मतलब है कि एमेनोरिया के साथ में अगर आँख की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार आप ले लीजिए कम से कम 1 महीना, तो आपकी जो है एमेनोरिया की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो कम्बिनेशन है आपका एमेनोरिया और ऑफ्थल्मिया का, ये दोनों अपने अपने जगह चले जाएंगे और आपको शांति मिल जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर आपको जो पेशाब में कोई दिक्कत हो रही है और नहीं ठीक हो रही है, तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें आ गया आपका प्रोस्टेटाइटिस, माने इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई और दर्द कर रहा है पेशाब में, कोई भी दिक्कत हो, माने अगर सूजन में आ गई है, तो आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए, आपका जो है
प्रोस्टेट तो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, इसके साथ में आपको और दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, सबल सेरोटा मदर टिंचर भी लेनी पड़ेगी, आपके जो प्रोस्टेट में सूजन आ गई है ये जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों प्रोस्टेट अगर किसी को भी हो गया है तो इसके साथ साथ में आप जो है इसका भी टेस्ट करवा लीजिए, जिसको बोलते हैं PSA। अगर ये आपका नॉर्मल रेंज के अंदर में आता है तो कोई बात नहीं है, और नॉर्मल रेंज के बाहर जाता है तो आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर PSA आपका अगर हाई है तो ये कैंसर का संकेत देता है। इसलिए 50 साल के बाद में कम से कम 2 साल में एक बार अपना प्रोस्टेट का जो PSA हमेशा करवाते रहिए। ऐसी बात नहीं कि प्रोस्टेट सबको होगा, ऐसी बात नहीं है, जिनका स्टेमिना ठीक है, जिनके फाइटिंग करने की क्षमता अच्छी है तो उनको नहीं भी हो सकता है प्रोस्टेट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है 50 साल के बाद में अपना जो है दवाई खाते रहें, सबर सेरोटा मदर टिंचर, अगर उसमें सूजन आ गई है तो साथ में यूफ्रेसिया खाएं, और अपना जो है PSA टेस्ट हर हाल में आपको करवाना चाहिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि आप सुबह सुबह बेड से उठते हैं, उठते ही आपकी खांसी शुरू हो जाती है, और जो खांसी का जो बलगम निकलता है वो जो बहुत ऑफेंसिव रहता है, आपको खुद जो है अपने बलगम से दुर्गंध आती है। तो ऐसे केस में आपको यूफ्रेसिया 6 पावर में 4 बूंद करके सुबह शाम दोपहर 3 बार 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक ले लीजिए, जब तक कि आपको आराम नहीं मिला, उसके बाद खांसी ठीक हो जाएगी तब दवा बंद कर दीजिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है मीजल्स पर, ये जो है फर्स्ट स्टेज में अगर मिजल्स बच्चों को हुआ है और फर्स्ट स्टेज है तो आप कैसे समझेंगे, ये तो डॉक्टर से समझेगा ना कि मिजल्स है, उसमें जो है रस निकल जाते हैं और उसमें जो है दाने कभी कभी बाहर निकल आते हैं, कभी कभी दाने जो है अंदर दब जाते हैं। तो ये जो है अगर फर्स्ट स्टेज आपको मालूम पड़ गया, बच्चों को यूफ्रेसिया 6 पावर में 2 बूंद करके 3-3 घंटा पर दीजिए, तो मिजल्स का अटैक भी खत्म हो जाएगा, मिजल्स जो परेशान करती है उसके बाद में वो भी ठीक हो जाएगा, फीवर भी कंट्रोल हो जाएगा, जितने दाने अगर दब गए वो भी बाहर निकल कर आपका मिजल्स का केस पूरा एकदम कंप्लीट क्योर कर देंगे। अगर नहीं भी है तब भी आप यूफ्रेसिया दीजिए, बच्चों को सर्दी खांसी बुखार है आप यूफ्रेसिया दीजिए आराम से, तो उनका जो है अगर मिजल्स का केस नहीं भी है तब भी उनको जो है इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है जो है बहुत ही यूनिक सिम्टम है कि पेशेंट इज बेटर इन ओपन एयर, अगर वो कमरे में है उसको तकलीफ होती है, उसको कोई भी तकलीफ हो, अस्थमा हो, सर्दी खांसी हो, या जो है रिमेटिक का दर्द हो, आर्थराइटिस का दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, तो पेशेंट को अगर मालूम पड़ जाए कि हमको ओपन एयर में अच्छा लगता है, हमको ओपन एयर में आराम लगता है, तो बीमारी कोई भी हो आप ऐसे पेशेंट को यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दे दीजिए, इस सिम्टम से उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है धुंधलापन दिखना, अगर जो है आपकी एज ज़्यादा हो गई है एज के अनुसार आपको धुंधला दिखाई देगा, अगर कम एज में अगर आप किसी को भी धुंधला दिखाई पड़े तो आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में सुबह शाम 4 बूंद लगातार जो है 3 महीना तक ले लीजिए, तो आपका धुंधलापन ठीक हो जाएगा। आप दवाई खा रहे हैं धुंधलेपन की तो आप इसके साथ में बायोकेमी की दवा कलक्रिया फ्लोर 6 भी साथ में लीजिए, तो आपका जो धुंधलापन आ जाता है तो आपका धुंधलापन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है लिप्स पर है, अगर आपका अपर लिप है ये आपका स्टिफनेस हो गया है, एकदम टाइट हो गया है, ये ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत टाइट हो गया है, तो स्टिफनेस रहना चाहिए, अगर अपर लिप में स्टिफनेस है तो आपको यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन ले लीजिए, जब तक कि आपका स्टिफनेस नहीं ठीक हो जाता। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है सब सिम्टम से बाहर है, माने प्रेशर लगता है, जब आप बैठे रहते हैं तो आपको एनस पर या रेक्टम पर आप बैठे हैं तो आप जो है ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको पाइल्स हो सकता है आपको फिस्टुला हो, तो आपको बैठने में दिक्कत होती है, तो ऐसा सिम्टम जो है एक थूजा में भी है, आर्सेनिक में भी है, तो आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार जो है कम से कम 10 दिन तक ले लीजिए, आपका जो बैठने में रेक्टम में जो दर्द होता है वेरी सेंसिटिव होता है, ये जो है इसमें आपको आराम मिल जाएगा, ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि यह कॉन्स्टिपेशन की बहुत बढ़िया दवाई है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की जो है ढेर सारी दवाइयाँ हैं, साइलिसिया है, ब्राउनिया है, ग्रेफाइटिस है, तो उन सबका सिम्टम मिलना चाहिए, अगर सिम्टम नहीं मिलेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पेट नहीं साफ हो रहा है, इसमें कोई सिम्टम आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यूफ्रेसिया 6 पावर में सुबह शाम लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए, जब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तब आप बंद कर दीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सेफ दवाई है, इसको आप सुबह शाम ले लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि स्पेस्मोडिक रिट्रैक्शन ऑफ जेंटल ऑर्गन, माने ये आपका जो पेनिस है वो लगता है जो है कोई पीछे की तरफ टांग रहा है, और उसके बाद में जो प्यूबिक बोन है उसके ऊपर भी आपको जो है
प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे केस में देखा जाता है कि कोई मास्टरबेशन करते करते अपना पेनिस को ऐसा डैमेज कर दिया है, ऐसा ढीला कर दिया है कि वो जो है वो सिम्टम जो बताता है कि डॉक्टर साहब हमको लगता है कि हमारा पेनिस कोई अंदर से टांग रहा है। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है यूफ्रेसिया 6 बार में सुबह शाम 4-4 बूंद करके लगातार 3 महीने तक दीजिए, आपका इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है पेशाब पर है, यूरिन पर। अगर जो है पेशाब की थैली में कोई इरिटेशन अगर हो गया उसके कारण जो है पेशाब करने के बाद भी पेशाब ड्रिबलिंग कर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता ही जा रहा है, तो ऐसा सिम्टम जो है सरसा पेडला में भी है। तो सरसा पेडला में भी सिम्टम है, तो सरसा पेडला भी आप मदर टिंचर में ले सकते हैं। तो अगर सरसा पेडला आपके पास नहीं है, यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद करके सुबह शाम जब तक आपका ड्रिबलिंग या यूरिन नहीं ठीक होता तब तक लेते रहिए। और इसके साथ में आपको अगर और जल्दी फायदा होना है तो सरसा पेडला मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में लगातार लीजिए। 2 दवाई आप लीजिए ड्रिबलिंग या यूरिन की, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, आपको अल्ट्रासाउंड या कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि अगर आप जो है ओपन एयर में है तो आपको जम्हाई आती है ज़्यादा। जम्हाई का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर ओपन एयर में जम्हाई ज़्यादा आती है, अगर बाई चांस कभी कभी आती है तो कोई बात नहीं है, अगर रूटीन बन गया है कि आप बाहर निकले हैं आपको जम्हाई ज़्यादा आ रही है तो आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम पानी के साथ लीजिए या डायरेक्ट लीजिए, तो आपको इसी दवाई से आपकी जम्हाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है स्लीपी ड्यूरिंग द डे। रात बनी है सोने के लिए, तो कुछ कुछ आदमी जो है आपके निगाह में होंगे, हमारे भी निगाह में हैं, ऐसे बैठे हैं बात कर रहे हो, स्लीपी ड्यूरिंग डे। अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो ऐसा सिम्टम अगर किसी पेशेंट में हो तो उनको जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन देने से उनकी जो है इस तरह की जो स्लीपिंग जो है ड्यूरिंग डे वो जो है ठीक हो जाएगी, वो दिन में नहीं सोएंगे खाली रात ही में सोएंगे। फिर दोस्तों इसका अगला सिम्टम और अंतिम सिम्टम आज का यह है कि अगर जेंटल आर्गन में कंडाइलोमा हो गया है, कंडाइलोमा माने मस्से हो गए हैं, अगर जेंटल आर्गन में हुए हैं आप जो है यूफ्रेसिया 6 पावर में कुछ दिन तक ले लीजिए, क्योंकि जो है मस्से हो गए हैं तो उनको ठीक होने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना लीजिए। जेंटल आर्गन में जो मस्से हुए हैं वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको यूफ्रेसिया के बारे में कुछ सिम्टम बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।